पुलिस अधिनियम एक्ट कब पास हुआ, तो पुलिस अधिनियम कौन सा है 1861, जैसे हमने अभी हमने पहले बताया होगा कभी, तो पुलिस अधिनियम 1861 हो रखा है। अब आपसे पूछेगा दहेज अधिनियम कब आया, दहेज अधिनियम जो आया वो कौन से वर्ष आया, तो 1961 में दहेज अधिनियम आया। बच्चा याद रखिए दहेज अधिनियम 1961 में आया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो आया वो 1990 में आया, याद रखिएगा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस के जवान हैं, आपको इतना इतना कानूनों का जानकारी होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इतनी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपको बताया पुलिस अधिनियम 1861 है, दहेज एक्ट 1961 है, और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 है ना। जैसे कि आप जानते हैं इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है, आपको जानकारी भी होगी, याद रखिएगा। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बच्चा याद रखिएगा वर्ष 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, वो 2005 में आया था। बाल मतलब बच्चा है ना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन है बाबू बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया था, याद रखिएगा ये अधिनियम 2006 में आया था। बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण, बच्चों के अधिकार के संरक्षण के संबंध में अधिनियम 2005 में आया था, है ना, याद रखना है जी। अगला क्वेश्चन है आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसका मतलब है इंडियन पीनल कोड, बच्चा आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी ये कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 को ये इंडियन पीनल कोड लागू होता है, याद रखिएगा आईपीसी, है ना। इसके बारे में भी जानकारी देंगे विस्तार से बाद में देंगे। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता, याद रखिए अगला पॉइंट है भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है, याद रखिए नागरिकता की दुनिया में यदि हम बात करते हैं नागरिकता की दुनिया में पहला अधिनियम कौन सा है, वो 1955 में आया था, सीए, ओनली नाम था इसका सीए, याद रखिएगा। जो सीए का मतलब है सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद नागरिकता पर पहली बार जो एक्ट आया वो 1955 में आया। अब याद रखिए जो ये वर्तमान में जो हाईलाइट हो रखा ना सीए है ना, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये है, इसी के अंदर संशोधन हुआ है बच्चा। तो ध्यान दो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, देखो इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, भारतीय नागरिकता अधिनियम तो ये था, लेकिन भारतीय नागरिकता के बाद हमने संशोधन ऐड कर दिया। संशोधन मतलब अमेंडमेंट होता है, इंग्लिश इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है अमेंडमेंट, और अधिनियम हमने बाद में रख दिया। तो बोलो एक बार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में सीएए बोलते हैं, याद रखिएगा, जो 2019 के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये लागू मार्च 2024 में हुआ है, लेकिन ये पारित 2019 में हो चुका था, याद रखिए ये लाइट में है, इस समय ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट में है। तो आप इतने आपको इतने एक्ट भी याद करने हैं, याद रखिए पुलिस के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एनीबॉडी किसी भी स्टेट लेवल पे आप हुए, तो यदि आपको ये जरूरी जानना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, याद रखिए बच्चा, यदि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पूछता है तो आप कहेंगे सर क्या है 1076 है। यदि आपसे पूछता है महिला हेल्पलाइन नंबर, बच्चा महिला हेल्पलाइन नंबर, तो महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090, याद रखिएगा 1090। अगर बात करता है पुलिस हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि सब जानते हैं, बच्चा जानता है पुलिस हेल्पलाइन नंबर पहले 100 था, लेकिन अब 100 नहीं मिलता है, 112 मिलता है, याद रखिए 100 या 112, 100 को भी कॉल करेंगे तो वो भी वहीं पर पहुंचेगी, एक ही जगह पहुंचती है, टेंशन नहीं लेने का, 100 या 112 सिचुएशन को देख के फैसला लेना है, याद रखिएगा ये। अगला पॉइंट है बच्चा घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर, घरेलू यानी यदि किसी के घर में घरेलू हिंसक मामले होते हैं, मारपीट वाले मामले होते हैं, समझे ना, जानते ना घरेलू हिंसा पे एक वीडियो लाएंगे बाद में, याद रखिए घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर है 181, याद रखिए बच्चा घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181। अगला है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बच्चा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में 100% नहीं 1000% आएंगे ही आएंगे, वीडियो को मिस नहीं करना, इग्नोर नहीं कर देना, स्किप नहीं कर देना, छोड़कर नहीं चले जाना, नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ, तुरंत इन पॉइंटों को नोट करना शुरू कर दो। यदि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम है तो सीरियस हो जाइए, ऐसा फालतू में समय को बर्बाद मत जाने दीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट है अग्नि सेवा हेल्पलाइन नंबर, यदि आप अग्नि सेवा हेल्पलाइन नंबर यूज करना चाहते
हैं, अग्नि सेवा लेना चाहते हैं, तो आपको 101 पर कॉल करना है। याद रखिएगा 101 पर कॉल करने के तुरंत बाद फायर अग्निशमन की या अग्निशमन की गाड़ियां उमोक के पर आ जाएंगी, जैसे कि आपने कभी यूज भी करा होगा, है ना। तो अग्नि सेवा हेल्पलाइन नंबर 101 है, और यदि बात करते हैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 है, और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 है, और चाइल्ड घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, और बच्चा लास्ट में लिख दिया राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन नंबर। याद रखिएगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये बहुत एक्टिव है इस समय वर्तमान में, तो याद रखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन नंबर 1930 है, याद रखना है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, कॉन्स्टेबल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिस मत कर देना भाई। अब बेटा एफआईआर, एफआईआर का मतलब क्या होता है बच्चा, एफआईआर एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, है ना। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वो एफआईआर को बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है देश का पहला पुलिस संग्रहालय, बच्चा देश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में बनाया गया है, तो देश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद, याद रखिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है बच्चा, पुलिस का शासकीय निकाय किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसआई लेवल का क्वेश्चन है कि पुलिस शासकीय निकाय क्या कहा जाता है, होम मंत्रालय को कहा जाता है, याद रखिएगा होम मंत्रालय को उत्तर प्रदेश पुलिस का शासकीय निकाय बोला जाता है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है एसआई के कंधे पर, जैसे देखा होगा ना आपने एसआई को, जब देखते हैं तो एसआई के कंधे पर यहाँ पर एक पट्टी होती है, तो उस पट्टी पे कितने स्टार होते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो एसआई के कंधे पर जो पट्टी होती है उस पर कितने स्टार होते हैं, तो 2 स्टार होते हैं, याद रखिएगा एसआई के कंधे की पट्टी पर 2 स्टार लगे होते हैं, क्लियर। अगला पॉइंट है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है, तो याद रखिए आउट ऑफ यूपी है लेकिन भोपाल में है, याद रखिए कहां, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ओके इतनी बात क्लियर। अगला पॉइंट है देखिए नोट में लिखा है, हमने कहा था नोट वाली चीजों को आप थोड़ा सा गहराई से लिया करो, अच्छे से लिया करो, क्योंकि असली असला वही है। तो इसे लिखा है अरेस्ट, अरेस्ट मतलब अरेस्ट, कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है तो उसके उसको 24 घंटे के भीतर भीतर, याद रखिएगा उसको 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में पहुंचाना बहुत अनिवार्य है, ये पुलिस की ड्यूटी है, याद रखिएगा पुलिस की ड्यूटी है कि आपने यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट किया है तो उसको आप 24 घंटे के भीतर भीतर हमारे सामने पेश कीजिए, क्योंकि पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, पुलिस को केवल सामाजिक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बनाई गई है, पुलिस को सजा देने का कोई भी अधिकार नहीं है। सजा जो देता है वो न्यायालय देता है, न्यायालय के ही अनुसार पुलिस काम करता है, याद रखिएगा न्यायालय के आदेश पर ही पुलिस काम करता है, क्लियर बात नहीं। अभी ऊपर वीडियो लाएंगे, जैसे सोशल मीडिया हुआ, है ना, आंतरिक सुरक्षा हुआ, आतंकवाद हुआ, है ना, तो इन मुद्दों पर वीडियो लाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, हर एक चीज को नोट डाउन जरूर करना, याद रखिए, और आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को बहुत बड़ा कर दीजिए। अपना एक सपना है बस कि योगी सर जी के जीएस देश के अंतिम बच्चे तक पहुंचना चाहिए, देश के अंतिम बच्चे तक ये अपना YouTube चैनल।